हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वेद। आज का हमारा टॉपिक है, हमें एरे स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर एरे का है, ठीक है, वो भी जावा में। चलिए, आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एरे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जावा का, जावा में उसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा यही है। चलिए, एरे क्या है? नॉर्मली अगर एरे हम पढ़ें तो क्या है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर ए कंटिन्यूस मेमोरी एंड लोकेशन। यानी एरे हमारा वो होता है जो एक कंटिन्यूस मेमोरी, मतलब एक के बाद एक को स्टोर करते हुए हम चले जाते हैं एक ही कलेक्शन में, यानी एक कलेक्शन में, उसे क्या कहते हैं, एरे, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 वन बाई वन को एक के सामने एक कंटिन्यूस मेमोरी में हम रखते चले जाते हैं, ठीक है, उसे हम अरे कहते हैं। जावा में चलते हैं। जावा में अरे का क्या है रोल, उसको समझते हैं। जावा अरे इज एन ऑब्जेक्ट विच कंटेंस एलिमेंट ऑफ ए सिमिलर डेटा टाइप। एडिशनली द एलिमेंट ऑफ एन अरे आर स्टोरेज इन ए कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। इट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर वेयर द स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स। वी कैन स्टोर ओनली फिक्स सेट ऑफ द एलिमेंट इन जावा अरे। यानी हम ऑब्जेक्ट को जो हम यूज करेंगे वो भी एक सिमिलर डेटा टाइप को बिलोंग करेगा हमारा, और इसमें चीज़ें ऐड होंगी, यानी कंटिन्यूस मेमोरी भी इसमें भी लोकेशन हमारा ऐड होता हुआ चलेगा। चलिए, अब इसको क्या करते हैं, इसमें कैसे कैसे इसका वर्किंग है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। कभी जैसे ये एक हमारी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन कैसे एलोकेट करती है, ठीक है। इसमें एक सबसे मोस्ट टॉपिक हमारा क्या है, मतलब इसमें ये होता है कि अरे इन जावा इंडेक्स बेस्ड, मतलब जो हमारा एरे में काम करता है जावा, एक इंडेक्स बेस्ड है, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर एट द जीरो इंडेक्स। यानी जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसका, जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होती है, उसको अगर हम इंडेक्स में काउंट करें, हमारा जीरो माना जाता है। फर्स्ट को हम जीरो मानते हैं एंड सेकेंड को फर्स्ट इंडेक्स मानते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, ये हमारे देखा जाए तो लेंथ इसकी साइज़ कितनी है, 10th। अब रही बात इसमें मेमोरी लोकेशन की, जैसे देखिए आप एक ही कलेक्शन हो गया अब स्टोर कर रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट हमारा ये हो गया, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यूस मेमोरी में लोकेशन कर रहा है, मतलब एक के बाद एक स्टोर कर रहा है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। ये कह रहा है वन बाई वन एक के बाद एक कंटिन्यूस मेमोरी में लोकेशन लोकेट करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। आप इसको काउंट करें कितना है, 10 है। लेकिन इसको अगर हम जावा में एरे की बात करते हैं तो क्या करता है, इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेके 9 तक। अगर जीरो से लेकर 10 तक आप दे देंगे तो एरे की साइज़ का आप इसको एक्सटेंशन फेंक देगा, इसलिए हमेशा जितना रहता है उससे एक माइनस कर देते हैं या फिर उससे लेस देन कर दीजिए, तो आपका साइज भी प्रिंट हो जाएगा और इंडेक्स आपका कंटिन्यूस, क्योंकि ये कहाँ से चलता है हमारा, जीरो से चलता है। ये बस इतना हमेशा याद रखिए, अरे हमारा जो जॉब में चलता है वो फर्स्ट स्टार्ट से चलता है, ठीक है। वन बाय वन एक की को ऐड करता है, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे थोड़ा और समझते हैं। ये तो हमारा हो गया बेसिक की चीज़ें, कैसे जॉब में क्या चीज़ें हैं, लेकिन हमें बेसिकली और चीज़ें कैसे ये वर्क करती हैं इसके बारे में समझना है। फर्स्ट इसमें आप बस इतना ही देखिएगा अभी, कि हमारा जीरो जो है नॉर्मली अरे क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी को लोकेशन करता है, वन बाय वन को ये ऐड करते हुए चला जाता है। लेकिन जावा में अरे क्या है, इसमें हमें लिमिट भी रहती है, इसकी फिक्स लिमिट रहती है। यहाँ पे देखें, वी कैन स्टोर ओनली ए फिक्स सेट ऑफ लिमिट इन जावा अरे। मतलब इसमें जैसे हम एक हमें देना ही पड़ता है कि अरे में कि हमें फिक्स देना ही पड़ता है लोकेशन, चाहे हम 9 दे दें, 10 दें, जो भी आपको एलोकेट कर दोगे कि मेमोरी हमें इतनी चाहिए, उतना उसके आगे आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसकी वैल्यू बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। इसको आगे चल के आप कलेक्शन में पढ़ेंगे तो कलेक्शन में इसमें प्रॉब्लम जो ऐड ऑन की आ रही थी, ऐड करने की या फिर माइनस करने की, तो वो सब चीज़ें कलेक्शन से दूर हो चुकी है, कलेक्शन में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, अब इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं कि इसकी साइज़ को कैसे इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट तो साइज़ को करते हैं हम कलेक्शन में, बट इसके और चीज़ें पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हैं, कौन से एरे हैं और इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, जॉब में क्या है, टू टाइप्स के एरे होते हैं,
ठीक है, एक सिंगल होता है, एक मल्टी डायमेंशनल अरे होते हैं, टू टाइप्स के हमारे डायमेंशन अरे होते हैं, इसको मतलब बोलते हैं सिंगल, इसको बोलते हैं 2D। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जैसे हमारा सिंगल डायमेंशनल अरे क्या है, जैसे एक के एक ही मेमोरी में हमारा मतलब एक ही लाइन में हमें प्रिंट करा दे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं सिंगल सिंगल डायमेंशनल अरे। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा टाइप होगा, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, डेटा टाइप जैसे हमारा मान लीजिए क्या है, इंट आ गया, ठीक है, फिर उसको आप ऐसे लगा पैरेंथेसिस से लगा के आप अरे कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पे अरे के अलावा कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये अरे रेफरेंस वेरिएबल होता है, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, ये दे दीजिए, या फिर आप इंट करने के बाद जो हमारा ऐसे कर सकते हैं, आप इसको इंट करिए, जो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस दिए थे इसको एरे के पास कर दीजिए, इस पे पहले स्पेस कर दीजिए, इसके अभी क्या था इंट पैरेंथेसिस के बाद तुम्हारा स्पेस था, उसके बाद कर दीजिए, फिर क्या है डेटा टाइप लिखने के बाद यानी इंट है, फिर एरे करके आप वेरिएबल में कुछ भी नाम दे सकते हैं, रेफरेंस अरे रेफरेंस वेरिएबल है कुछ, यहाँ पे एरे दे दीजिए, कुछ भी आपको जो देना हो दे सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप ही आपको देना पड़ेगा, इसको हम 3 टाइप्स पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे होता है नॉर्मली, बस आप इतना अभी तक हम बता रहे हैं, बाकी इसका कैसे हम यूज करते हैं किसी के प्रोग्राम वो आगे चल के बताएंगे, हमारा फर्स्ट लेक्चर बस इतना सा है कि इसकी बेसिक नॉलेज हो जाए कि हम सिंगल सिंगल अरे किसे कहते हैं और 2D अरे किसे कहते हैं, ऐसे यानी मल्टी डायमेंशनल अरे किसे कहते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें मिल जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, जैसे हमारा अभी है मल्टी, इसके बाद क्या आता है मल्टी, मतलब एक तो ये हो गया कि जैसे हमने एक लाइन में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें मान लीजिए कितनी भी वैल्यू आ जाए, 4 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है 5, ये हमारा क्या है 5, इसकी लेंथ कितनी है 5 है। ठीक है, अगर इंडेक्स की बात करेंगे 0 से लेके 4 तक चलेगा ये, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये भी सिंगल है, अगर इसके हम चाहते हैं एक और इसी के नीचे ऐड हो जाए, वो भी क्या हो जाए 5 का हो जाए, ठीक है, ये क्या हो जाए, ये भी 5 का हो जाए, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, अब क्या हो गया, एक अरे ये था हमारा, अब ये दूसरा अरे आ गया इसी में ऐड हो गया नीचे, यानी हमारे पास कितने अरे गए 2 हो गए, जैसे आप 2 को ऐड कर सकते हैं उससे 3 4 5 4 जितने को ऐड करिए, ठीक है, 2D में अरे में क्या होगा, एक आपका ये फर्स्ट जो होगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा और चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, पहले आप बेसिक चीज़ें एक ये समझ गए कि आप एक नीचे एक ऐड कर सकते हैं, अब इसकी प्रोसेस क्या है मैं उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इसको आप मल्टी डायमेंशनल अरे को क्या कहते हैं, डेटा इज स्टोर इन द रो एंड कॉलम बेस्ड इंडेक्स, मतलब आप एक के नीचे ऐड करेंगे रो एंड कॉलम जैसा आपको दिख रहा होगा, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो, इसमें आप कॉमन काउंट करेंगे तो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे आपको ये दिखता है। ठीक है, यानी इसको आप कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में है। अब इसके सिंटैक्स क्या होते हैं, डेटा टाइप आप दे दीजिए, इंट कुछ भी जो आप दे सकते हैं, यहाँ पर देखिए डबल लगा हुआ है, यानी आपको इसमें डबल, एक तो हमारा ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसको अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी पहले इसको हम कैसे लिखते हैं पहले इसी चीज़ देख लीजिए, डेटा टाइप हो गया हमारा, फिर उसके बाद ये लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं रेफरेंस वैल्यू में आपने कुछ भी दे दी जो आपको मन करे, ठीक है, अरे दे दीजिए, कुछ भी देना हो आप वहाँ पे अरे रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप देना होगा, फिर सेम वही चीज़ें हैं, आप इसको 1 स्पेस के बाद फिर दे सकते हैं, या तो डेटा टाइप का सेम सारी चीज़ें आपको देखिए, जो यहाँ पर था फर्स्ट ये चीज़ें यहाँ मिला, यानी एक चीज़ें इसमें ऐड हो गई, इसमें ऐड क्या होता है, एक हमारा रो के लिए काम करता है, एक कॉलम के लिए काम करेगा, आप ऐसे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगर पैटर्न का प्रोग्राम थोड़ा बहुत आप जानते होंगे तो ये चीज़ें आपको बेसिकली यहाँ से समझ आनी शुरू हो गई होगी, यानी एक में हम क्या करते हैं पूरी लेंथ लेंगे, यानी हमारी जो जो हमारे जितने रो हैं उसको, यानी जिसे अभी जिसे हमारा ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, अभी ये क्या है हमारा, इसमें 5 वैल्यू हैं, ठीक है, यानी क्या है इसमें, सॉरी 4 वैल्यू हैं, अभी ये हमारा क्या है सिंगल डायनेमेंशनल अरे है इस समय। ठीक है, हम चाहते हैं इसी के नीचे, अभी बराबर करके दिखा रहे हैं, आप कम बेसिस के नीचे वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये अभी हम स्क्वायर में लेके ही चल रहे हैं। ठीक है, यानी हम क्या हो गया हमारा 2 3, ठीक है, इसमें 3 हो गया, यानी
हमारा पहले इसमें क्या काउंट होगा। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट में होता है, जो इसमें वैल्यू लिखी जाती है, वो हमारी कितनी होनी चाहिए डेटा टाइप के बाद। जैसे अभी इंट लिखने के बाद आप यहाँ लिख दें, लेकिन इसके आगे जब हम वेरिएबल में लिखते हैं कि मतलब हमें क्या देना है, कितना कितना देना है, तो उसके लिए हम करते क्या है, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है इसको काउंट करते हैं। यानी हम कितने हमारे इसमें आप समझेंगे तो इसमें रो कितने हैं इसको काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यानी अगर हम इसमें लिखेंगे तो हमारा ये क्या होगा, पहले हो जाएगा फर्स्ट, फिर कामा लगाएंगे, सेकेंड, फिर कामा, थर्ड। ठीक है, ये हमारा एक हो गया। यानी ये हमारा अब ये क्या डिसाइड हो गया कि हमारे रो कितने हैं, तीन हैं। अब इसके अंदर हमारे कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। अब इसके अंदर 1, फिर कामा, फिर वैल्यू, फिर कामा, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में, यानी क्या है कि जो चीज़ें हम देंगे जितनी बार उतनी चीज़ों को हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे सेकेंड रो में एक कॉलम नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या होगा, सिर्फ तीन, सेकेंड रो में 1 2 3 सिर्फ तीन दे देंगे। ये थर्ड रो में मतलब रो एंड कॉलम का यूज करेंगे, जैसे मैट्रिक्स का हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आप इसको इस डेटा टाइप, फिर इसका पैंथेसिस लगा के एरे रेफरेंस कर सकते हैं, डेटा टाइप फिर ऐसे कर सकते हैं आप, या फिर डेटा टाइप लगा दीजिए, एक फर्स्ट कर दीजिए एक बार, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप करना चाहें। इसके लिखने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ तक बेसिकली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे क्या इसका वर्क है। ठीक है, डेटा टाइप आपको पता ही है, इंटरेस्टिंग आप जो भी देना चाहें आप। उसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल में हम उस वैल्यू को रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, कितने हमारे डायमेंशनल, सिंगल डाइम वो सिर्फ ईजी, तो भी अगर आप सिंगल समझ जाएंगे कुछ नहीं करना है। सिंगल के बाद जो उसके अंदर की वैल्यू को हम ऐड करते हैं, जैसे अभी मैट्रिक्स हम लोग प्रिंट कराते हैं, जैसे ये 2 × 2 का। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट चलते हैं हम रो के लिए, फर्स्ट रो चलता है तो ये प्रिंट होता है, देन ये प्रिंट होता है। ठीक है, यानी सेम वही चीज़ें हैं इसमें, आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ब्रैकेट में क्या है कि हमारा फर्स्ट, अब क्या चल रहा है हमारा फर्स्ट रो, इसमें फर्स्ट चले नहीं, हमारा जो हमारे ये होती है फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट रो को लिखते हैं, फिर रो के अंदर जो कॉलम है उसको लिखते हैं, फिर कामा लगाएंगे, फिर सेकेंड रो उसके अंदर की वैल्यू, यानी जितने कॉलम हैं, अगर बस दो रो हैं तो दो, तीन रो हैं तो तीन। अब उसके अंदर कितने वैल्यू चाहे, दो हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार जो वैल्यू की साइज दे दी जाती है वही रहता है, यानी इसकी अगर आप रो की साइज दे दी है इतना है तो इतना ही रहेगा। कॉलम में आप वैल्यू एक में कम कर सकते हैं, एक में बेसी कर सकते हैं, मतलब एक में ज़्यादा कम बेसी हो सकता है, लेकिन रो हमारा इसमें क्लियर रहता है कि कितने हैं, अगर दो हैं तो दो, तीन है तो तीन। उसके अंदर कॉलम की वैल्यू को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी मैट्रिक्स फॉर्म आप उसको देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे तीन वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, इसमें चाहते हैं तो 4 प्रिंट करा लीजिए, इसमें चाहते हैं तो 5 प्रिंट करा लीजिए, एक और ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको जब स्लाइस करते हैं तभी हमें इसकी साइज़ देनी पड़ेगी, उसके बाद ये आप कम बेसी नहीं कर, यानी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं कि हम इसमें एक और ऐड कर दें, एक या फिर माइनस कर दें, नहीं कर सकते हैं। आप जब स्लाइस करते हैं वैल्यू तभी आपको देना पड़ेगा कि हमारे रो एंड कॉलम कितने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ रो दे दिए कि हमारे 4th रो हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया कि हमारे 4th रो हैं। ठीक है, 4th रो ये क्या करेगा, हमें अलग करके बना देगा। अब उसमें आप देंगे कॉलम हमें फर्स्ट रो में कितने चाहिए, वैल्यू कितनी कितनी में प्रिंट करें। अगर हमने दे दिया फर्स्ट रो में हमें सिर्फ तीन चाहिए तो तीन कर देगा वो, यानी फर्स्ट रो में वो थ्री से तीन हमें कर देगा कॉलम में। हम चाहते हैं सेकेंड रो में जितनी वैल्यू देंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ सिंगल ही रहे तो एक ही रहेगा उसमें। ठीक है, अगर चाहते हैं कि नहीं हम दो हो जाए तो वो टू में कर देगा। यानी हमें स्लाइस करना ही पड़ेगा कि हमें वैल्यू कितनी चाहिए। ठीक है, आज का हमारा बस इतना सा था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे से, तब फिर उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल जब क्लियर हो जाएगा देन हम आगे को समझेंगे। फर्स्ट आप इतना इसमें ये चीज़ें इतना क्लियर कर लीजिए, होता क्या है सिंगल में, सिर्फ हम एक सिंगल में प्रिंट कराने के लिए करते हैं, यानी एक ही बार जो हम एक ही लाइन में हमें प्रिंट कराना हो इसको हम देते हैं। इसको आप एक लाइन में प्रिंट कर सकते हैं या फिर एक ऐसे सीधी लाइन में भी प्रिंट करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, मतलब एक ही सीधी होनी चाहिए। ठीक है,
जब रो एंड कॉलम की बात जहाँ पे आ जाए, यानी टू जैसे इतना इतना आ जाए, ये दो आ गए, या फिर चार आ जाए, या फिर मतलब वन से ज़्यादा की आ जाए वैल्यू, तो उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी अब इसमें हम रो एंड कॉलम को काउंट करके चलेंगे, ठीक है। उसमें हमेशा अब इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हमें सिंगल फॉर लूप से हमारा काम हो जाता है, इसमें क्या करेंगे, डबल फॉर लूप चलेगा, एक इनर एक आउटर। यानी एक हमारा काम करेगा कि हमारे रो कितने हैं उसके लिए, यानी उसके रो के लेंथ के लिए चलेगा, ठीक है। और इसमें हमेशा ये रखें हम इसके लेंथ तक, डार्ट लेंथ तक जाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम इसको साइज प्रिंट करानी हो तो दे देंगे डार्ट लेंथ एरे, यानी अरे जिसके अरे के हमारे जो भी यहाँ पे लेंथ होंगी वो हमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है, थोड़ी सी चीज़ें बस। आगे को हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, हमारा सेकंड जो लेक्चर होगा हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे पे होगा। यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया। आप एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, रेट कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना इसमें से। इसमें करते हैं क्या है, ये हमारा कोड को क्या ऑप्टिमाइज कर देता है। और दूसरी चीज़, आप जैसे कोई भी वैल्यू आप दे दिए यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए, एक ही लाइन जैसे आपको प्रिंट कर, इसमें आप जैसे नंबर हो गया ये हमारा, ठीक है। इसे हम चाहते हैं कि हमारा इसमें जो नंबर हो किस किस प्लेसेस पे हो, इस पे है। यानी हम ये क्या किए, हमारा जो इसमें जितने भी हमारे इसकी साइज़ को आप काउंट करेंगे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या हो गए, 6, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, इतनी वैल्यू दी गई। हम चाहते हैं कि हमें जो हमारे फिफ्थ यानी इंडेक्स पे, यानी अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे हमें 6 पे क्या है, यानी 6 ये है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स की इंडेक्स को यानी हम एक माइनस कर लेंगे, यानी हम साइज में पता है कि इसकी साइज 6 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, या इसको काउंट कर सकते हैं 0 से लेके, ये 0 से स्टार्ट होता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो पाँचवें लेंथ पे इसकी साइज़ जो यहाँ पाँचवीं हमें वो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाए, जहाँ 5 होगा, ठीक है, वहाँ 1 माइनस कर देंगे। यानी 1 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अरे क्या होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमें वैल्यू चाहिए कि 6 पोजीशन पे क्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तब इंडेक्स की साइज़ को, इंडेक्स की साइज़ पे देंगे कि कौन सी इंडेक्स पे हमें प्रिंट कराना है। इंडेक्स में हम क्या देंगे, दे दिया मैंने जैसे इंडेक्स यहाँ पे अरे लिखा हुआ था, मैंने दे दिया अरे कि साइज़ क्या है, यानी ये जो हमारा 0 1 2 3 4 5, यानी 5 की वैल्यू हमें प्रिंट, इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे। जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये 5 को हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी आउटपुट हमारी इंडेक्स बेस पे हमें आउटपुट हमारा मिल जाएगा। ये अगर हम सोचेंगे 6 पे हमें कराना है तो इसके आगे की वैल्यू मिलेगी, अगर आगे की वैल्यू नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमेशा क्या करिए कि आप बस हमेशा एक 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें हमें कोई भी वैल्यू अगर हमें लेना है, ठीक है। इसकी इसका एडवांटेज बस इतना सा है कि इसमें साइज़ लिमिट हो जाती है, यानी हमें फर्स्ट पॉइंट जितना भी दे सकते हैं हमारी वही साइज हो जाती है, ठीक है। बस इतना सा ही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।